आरोग्य जागृति। दोस्तों आज हम एजी न्यूज टीम के साथ आ पहुंचे हैं औरंगपुरा सब्जी मंडी, जो औरंगाबाद की बहुत बड़ी सब्जी मंडी कहलाई जाती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सब्जी मंडी जो महानगर पालिका की बन रही है, और उसके ठीक अपोजिट साइड जो है आप कचरे का ढिगार देख रहे हो, जिसके वजह से काफ़ी त्रस्त है लोग यहाँ पर, और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप यहाँ पर देखेंगे, इस तरह देखेंगे आप, कितनी दुर्गंध है यहाँ पर, कितना कचरा है यहाँ पर, कि लोग जो है तो आने जाने को कतरा रहे हैं। और उसी तरह जो है उसके ठीक अपोजिट साइड देखेंगे आप, जो लोग खरीदने आते हैं, कितना कठिनाइयों का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उनको। यहाँ पर जो है फ्रूट्स वाले जो है फ्रूट्स बेच रहे हैं, और जाहिर बात है कि यहाँ पर फ्रूट्स की दुकान है, और इतना बड़ा जो यहाँ पर जो डिघार जो लगा हुआ है, तो इस पर काफ़ी मक्खियाँ बैठती है, और वही मक्खी जो है फ्रूट्स की जो फल वाले है वो फ्रूट्स पे जाके बैठती है। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरह से जो लोग जो वही फ्रूट्स खाते हैं और बीमार पड़ने के काफ़ी बड़े चांसेस होते हैं। तो महानगर पालिका को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस कचरे का जो समस्या है वो दूर करें। ये यहाँ पर जो है ये फ्रूट्स वेंडर्स है, जो दिन भर फ्रूट्स बेच के कमाई खाते हैं, और उसी के सामने ठीक जो है आपका जो गंदगी है यहाँ पर, जो रोड के हाल है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी पड़ने के बाद कीचड़ हो गया है, और सामने जो है वहाँ पर कितनी बड़ी कचरे की ढिगार है, और इसके अंदर जो है वातावरण के अंदर ये लोग फ्रूट्स बेचते हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर इतनी दुर्गंध होने के बावजूद भी यहाँ पर फ्रूट्स बेचते हैं। ढाई तीन महीने से तो बहुत परेशान है साहब हम लोग, यहाँ पे धंधा व्यापारी बंद हो गया, गलीजी बहुत है, और लोग जो है इतराज करते आने के लिए, चलने को जगह बराबर नहीं है, और इतनी बदबू आती है कि पूछने की बात नहीं। बस आप ज़रा कुछ देखिए, ज़रा रोड भी बहुत ख़राब हो चुका है, इतना कीचड़ है यहाँ पे कि चलने वालों को पड़े। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनार जो खुला पड़े हुआ है, और किस तरह से यहाँ पर मक्खियाँ उस पर बैठी है। आइए हम जानते हैं ये जो वेंडर है जो फ्रूट्स बेचते हैं वो किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, और उसके अलावा भी जो उनके जो प्रॉब्लम्स है वो महानगर पालिका से क्या कहना चाहेंगे। हाँ हाँ, कॉर्पोरेशन से हम बहुत बार जाके वहाँ बता दिए उनको कि भाई यहाँ पे बहुत कीचड़ और रोड नहीं है, और बहुत गंदगी हो रही है औरंगपुरे में, हमारे धंधे इतने चौपट हो गए पूरे फ्रूट वालों के, क्या आधा भी धंधा नहीं रहा, और फ्रूट वालों के धंधे के ऊपर लोग आ रहे नहीं, क्योंकि अब फ्रूट जो बिक रहा है उस पर पूरी मक्खियाँ बैठी हुई है, और यहाँ पे पूरा घान कीचड़, बड़े बड़े लोग जो लोग है वो फ्रूट खरीदने आ रहे नहीं, और बल्कि पूरे इतने मार्केट का फ्रूट भी नहीं बिक रहा, और किराने की दुकानों में बड़े बड़े आधे से आध कम हो गए। आप किराने की दुकान वाले से भी पूछ सकते कि उनका भी धंधा आधे से आध कम होगा, क्योंकि यहाँ घान बहुत हो गई, और कुछ भी महानगर पालिका इधर देखती नहीं बिल्कुल। उनको जाके हमने दो तीन बार निवेदन भी दिए, लेकिन धरना भी करे वहाँ, और यहाँ भी धरना करे थे हमने, लेकिन महानगर पालिका ने कोई एक्शन नहीं लिया इसके बारे में, कुछ काम सक्सेस कर रहे नहीं है बोला। अब्दुल हलीम अशर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरी दुकान है बर्फ़ वाला के नाम से, और मैं 30 साल से यहाँ पर अपना कारोबार कर रहा हूँ। और जो है तो ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये रोड जो है 30 साल पहले बनी थी, 30 साल के बाद अभी तक इस पर कुछ भी मेंटेनेंस का काम भी नहीं हुआ। एक ज़माना था कि जो शहर के सबसे अच्छे इलाके में इसका शुमार होता था, अभी सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है, रिक्शे वाले आने को तैयार नहीं, कस्टमर आने का उससे तैयार नहीं, टू व्हीलर भी आने का उससे तैयार नहीं, ऐसी हालात यहाँ की है। इस बारे में मैं कॉर्पोरेशन को बोलूँगा कि इस पर केयर किया जाए। सर अभी ये बताइए कि आप 20 साल में जो 20-30 साल में जो आपने देखा है, और आपके यहाँ पर दुकान है, आप टैक्स भरते हो, लेकिन आपको सुविधा नहीं दी जाती महानगर पालिका की तरफ से, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। हम जो है कॉर्पोरेशन को बोले, कारपेंटर को बोले, ये आधा हिस्सा एक कारपेंटर के एरिया में आता है, सामने वाला हिस्सा अलग कारपेंटर, ना उनको फिक्र है ना इनको फिक्र है। वोटिंग के टाइम पे आए, वोट ले लिए, और उसके बाद जो है यहाँ के लाइट तक चालू नहीं करके देते, बल्ब स्ट्रीट लाइट वो भी बंद रही थी।
आपका जो हिस्सा आता है, जैसा कि आपने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड में एक अलग कॉरपोरेटर का वार्ड है और राइट हैंड साइड में एक अलग कॉरपोरेटर का वार्ड है, जैसा कि आप राइट साइड में आते हो, तो ये किसका वार्ड है? ये जो है गंगाधर डगे का वार्ड है, जो जिसमें हमारी दुकान आती है, और सामने का एरिया जो है वो तनवानी साहब जो है कॉरपोरेटर, उनके अंडर में आती है। तो दोनों ने मिलकर अभी तो कुछ भी मामला तय नहीं। इसका मतलब ये हुआ है कि दोनों के झगड़ों में आप लोगों की परेशानी हो रही है? बिल्कुल यही बात जो आप बोले यही है, और पूरी कोशिश करके बैठ गए, थक गए लोग। अब यहाँ जो वैल्यू थी दुकानों की, लोग दुकान बेच के चले जा रहे हैं, छोड़ गए, एरिया इतना ख़राब हो गया है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे AJ न्यूज़ आरोग्य जागृति के माध्यम से? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जितनी जल्दी अच्छा कर सकते हैं वो करें आपके न्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि आप जो बताएंगे तो उसका कुछ। आप देख सकते हैं कि बारूदगढ़ नाले पर जो हम आ चुके हैं, यहाँ पर जो है किस तरह से जो कचरा पड़ा हुआ है, ढीक पड़ी हुई है कचरे की, और सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है जमा हुआ है, कचरा यहाँ पर पड़ा है, मक्खियाँ बैठी हुई है, और वही मक्खी जो है सामने जो हम आप देखेंगे कि यहाँ पर एक चिकन सेंटर है जहाँ पर चिकन कट करके बेचा जाता है, और आप थोड़ा आगे जाने के बाद आप देखेंगे तो किस तरह से यहाँ पर वहाँ की जो मक्खियाँ जो बैठकर वापस आती है और यहाँ पर बैठती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बीमारियाँ फैलने का डर है। कचरे की समस्या आप देख रहे हैं, आपकी दुकान के सामने जो कचरा पड़ा है, जो पानी जमा हुआ है, बारिश का मौसम चालू है, तो ये कब से धंधा करते हो आप? चिकन की आपके यहाँ पर दुकान है, बहुत सारे दुकान हैं। तकरीबन 20 साल से हम यहाँ धंधा करते हैं, और 20 साल से ये रोड का कोई सुधार नहीं हुआ। जिस वार्ड में हम खड़े हैं, ये वार्ड गुलमंडी का है, शिवसेना का वार्ड है। यहाँ से जो भी नगर सेवक जीत के जाता है वो अच्छी से अच्छी पोस्ट पर महापौर मंत्री MLA MP बन के गए, लेकिन आज तक ये वार्ड का सुधार नहीं हुआ है। हमारी उनसे गुजारिश है कि भाई आप महापौर साहब से, तुम्हारे कमिश्नर साहब से कि वार्ड का ध्यान दें और इस पर वो करें। और ये 3 महीने से जो है तो कचरे की समस्या है, यही नहीं शहर के हर कोने में कचरे की समस्या है। जहाँ देखो कचरों के ढेर ही ढेर लगे हुए हैं, और मानापा जो है तो कुंभकर्ण की नींद मार रही है। हुकूमत जो है तो शिवसेना की है, BJP की है, दोनों की सत्ता है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, इसके बावजूद भी शहर को एकदम बक्काल बना के रख दिया गया है। औरंगाबाद शहर मराठवाड़े की राजधानी बोल के जाना जाता है। मराठवाड़े की राजधानी होने के अलावा यहाँ पे जो तो औद्योगिक विकास होता है, बहुत सारे विकास के लिए औरंगाबाद शहर बहुत मशहूर है, ऐतिहासिक शहर है। इसके बावजूद ये ऐतिहासिक शहर को इन्होंने कचरा शहर बना दिया है। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी जानिब से और ये तमाम नागरिकों की जानिब से चाहूँगा कि सरकार ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, विशेष महानगर पालिका के महापौर ने ध्यान देना चाहिए, और अपना जो है तो कचरे की समस्या का इंतजाम करना चाहिए। सिर्फ अपना वोट मांगते हैं, जीत के आते हैं और काम नहीं करते, ये तो गलत बात है। रास्ते की भी हालत बहुत बक्काल हो गई है। मैं एक रिक्शा चालक हूँ, पूरे शहर में घूमता हूँ मैं, तो हर जगह के रास्ते ख़राब हो चुके हैं। रिक्शा चालकों को जो है तो मनके का प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे कमर में जो है तो मनके का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन सरकार और शासन प्रशासन बस कुंभकर्ण की जो सो रहे हैं, नींद मार रहे हैं। गंदारी कारोबार चढ़ रहा है, एकदम धृतराष्ट्र की तरह प्रशासन चढ़ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए, महानगर पालिका ने, महापौर ने, कमिश्नर ने, और समस्या का समाधान करना चाहिए। चिकन है जो 3-4 साल से जो रोड की जो समस्या है, गड्ढे है, यहाँ पर एक बिजनेस सेंटर है जहाँ पर काफ़ी सारे दुकानें आप देख सकते हैं, करवा प्रोविजंस है, महावीर आयुर्वेदा है, कोडाक फोटोशॉप है, और आगे भी जो है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बड़ी बड़ी दुकानें हैं, पेंट्स की दुकान है, पान शॉप है। तो देखिए आप किस तरह से यहाँ पर रोड की अवस्था हो चुकी है कि लोग जो है
आने जाने को कतरा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी दुर्गंध भी फैली हुई है जिसके वजह से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिक्शा स्टैंड है, किस तरह से ये लोग खड़े हैं। ये लोग खड़े रहने के लिए कतराते हैं। तो आप बताइए कि महानगर पालिका जो काम कर रही है किस तरह से कर रही है, आप उसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एजे न्यूज़ की तरफ से जो प्रयास हुआ है आरोग्य जागृति की तरफ से, ये हम उम्मीद करते हैं कि महानगर पालिका इसे गंभीरता से ले और जल्द से जल्द इस रोड का प्रश्न जो है हमेशा के लिए मिटा दे। आरोग्य जागृति।